अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हम मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट की ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे और हमने पेज नंबर 23 आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 23 है उसमें जहां स्टूडेंट 5 लिखा हुआ और उससे आगे टीचर यस यू आर राइट यहां तक पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन और फिर उसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। Student 6, media has also become a mouthpiece of the downtrodden. Media mazloom logon ka numainda bhi ban chuka hai. Mouthpiece, numainda. Downtrodden, mazloom ya ghareeb. Media mazloom logon ka numainda bhi ban chuka hai. Teacher, yes, haan, well said. Bilkul durust kaha, achha kaha. It would not be wrong to say that. ये कहना गलत नहीं होगा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, ये कहना गलत नहीं होगा। दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया सबसे चौकस तरीन इदारा है। इसका प्रोनंसिएशन देखें, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब चौकस, चौकन्ना या होशियार। मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया सबसे चौकस तरीन इदारा है। तो एडजेक्टिव की जो तीसरी डिग्री होती है उसके साथ हम दा जरूर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसके साथ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, चौकस तरीन इदारा है। दैट कीप्स एन आई, जो नजर रखता है ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के हर हिस्से पर। सेगमेंट हिस्सा या तबका भी कह सकते हैं हम। फिर इसको देखें शुरू से, इस सारे सेंटेंस को। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, ये कहना गलत नहीं होगा। अब जैसे रॉन्ग है, इसको आप गौर से देखें, वो वर्ड इंग्लिश में जो डब्ल्यू आर से शुरू होते हैं उनमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे रॉन्ग है तो इसे हम रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, ये रॉन्ग है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। तो जो वर्ड डब्ल्यू आर से शुरू होते हैं उनमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, ये कहना गलत नहीं होगा। मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया सबसे चौकस तरीन इदारा है। That keeps an eye on every segment of the society, जो मुआशरे के हर तबके पर नजर रखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे चौकस तरीन इदारा है जो मुआशरे के हर तबके पर नजर रखता है, या मुआशरे के हर हिस्से पर नजर रखता है। Through debates, बहसों मुबाहसा के जरिए, through के जरिए debates, मुबाहसों के जरिए reports, रिपोर्टों के जरिए, and talk shows, और टॉक शोज के जरिए। इनकी हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर किसी को जवाबदेह बनाता है। आंसरेबल का मतलब भी जवाबदेह है और अकाउंटेबल का मतलब भी बाजपुरस करना, जवाबदेह। तो हम दोनों की बामुहावरा ट्रांसलेशन को एडजस्ट करते हुए दोनों का एक ही ट्रांसलेशन हम करेंगे। ये इस तरह होगा कि थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, बहसो मुबाहसा, रिपोर्टों और टॉक शोज के जरिए। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर किसी को जवाबदेह बनाता है। दैट इज व्हाई, यही वजह है, मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, मीडिया हमारी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। फिर इसे देखें, दैट इज व्हाई, यही वजह है, मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि मीडिया हमारी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। इंटेग्रल, लाजमी या नागुजीर। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू, अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी टू सम, क्योंकि जो है वो उस्तानी है, फीमेल टीचर है, तो इसलिए हम इसका तर्जमा दावत दूंगी तो मुअन्नस में करेंगे। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू, अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी टू सम अप द डिस्कशन, कि आप बहस को समेटें। सम अप का मतलब समेटना, मुख्तसर करना। द डिस्कशन, अब आप, मैं आप में से किसी को दावत दूंगी कि आप बहस को समेटें। स्टूडेंट वन, आई वुड कंक्लूड, मैं नतीजा निकालूंगा। आप इसका तर्जमा नतीजा निकालूंगा भी कर सकते हैं, निकालूंगी भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे मेंशन नहीं किया गया कि वो जो टीचर हैं उनके सामने जो है मेल स्टूडेंट्स हैं या फीमेल स्टूडेंट। I would conclude, मैं नतीजा निकालूंगा the discussion, इस बहस का, by saying that, ये कहते हुए, media can play a positive role, media एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है।
प्लेयर रोल होता है किरदार अदा करना, पॉजिटिव रोल मुस्बत किरदार, एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका इसलाही असर होता है, करेक्टिव इसलाही इम्पैक्ट असर, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये दयानतदारी से काम करे। फिर इसको देखें ये सारे सेंटेंस को शुरू से, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए मैं इस बहस का नतीजा निकालूंगा दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका इसलाही असर होता है, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये दयानतदारी से काम करे। टीचर, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला, आई एम हैप्पी दैट, मुझे खुशी है that all of you have participated in this discussion, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है, participate हिस्सा लेना, discussion बहस, फिर देखें I am happy that, मुझे खुशी है, all of you have participated in this discussion, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है, and have expressed yourselves, और अपने आप का अपना इजहार किया है, express इजहार करना, very well, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से। फिर इसे देखें जी, आई एम हैप्पी दैट, मुझे खुशी है, ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है, एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और आपने बहुत अच्छी तरह अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं, एंड लीव्स, और चली जाती है। फिर इस लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं, एंड लीव्स, और चली जाती है। सो इस तरह की ट्रांसलेशन इस लेसन की ख़त्म हुई। अब हमने जो कुछ पढ़ा है आज के लेक्चर में, उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स को वन बाय वन देखते हैं। सो नाउ लुक एट दीज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ दीज डिफिकल्ट वर्ड्स। माउथपीस, माउथपीस नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है नुमाइंदा। माउथपीस नाउन है और उर्दू में इसका मतलब है नुमाइंदा। डाउनट्रॉडन, डाउनट्रॉडन एडजेक्टिव है। मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूं कि इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन एडजेक्टिव है, इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। डाउनट्रॉडन एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मजलूम या गरीब। विजिलेंट, इसके प्रोनंसिएशन को आपने गौर से सुनना है, विजिलेंट ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है होशियार या चौकस। विजिलेंट, होशियार या चौकस। सेगमेंट, सेगमेंट नाउन है और इसका मतलब होता है हिस्सा। डिबेट, डिबेट भी नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है मुबाहिसा। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है जवाबदेह। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब होता है इजहार करना। इंटेग्रल जो है ये भी एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब होता है लाजमी या नागुजीर। नागुजीर का मतलब होता है जो जरूरी हो, जिसके बगैर गुजारा ना हो, तो इंटेग्रल का मतलब लाजमी या नागुजीर। इनवाइट वर्ब है और इसका मतलब होता है दावत देना। सम अप भी वर्ब है और इसका मतलब होता है मुख्तसर करना, समेटना। डिस्कशन, डिस्कशन नाउन है और इसका मतलब होता है बहस। कॉन्क्लूड भी, कॉन्क्लूड वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब होता है नतीजा अख्स करना। करेक्टिव, करेक्टिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इसलाही। करेक्टिव इसलाही। और पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब होता है हिस्सा लेना। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने थर्ड लेसन को एंड किया। आपके जिम्मे नाउ आई एम गोइंग टू असाइन यू द होमवर्क। तो आपका जो जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, वो ये है कि आपने इसको लिखना है अपनी नोटबुक्स पे बड़ा नीट एंड क्लीन करके, और इसकी इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं और इसे याद करना है, और फिर आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।